हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए करुणामयी ममतामयी श्री सीता स्वरूपा श्री लक्ष्मी स्वरूपा
श्री सरस्वती कृपा दयामयी करुणामयी ममतामयी समस्त माताएं एवं बाल कृष्ण लाल के प्रिय लाडली सभी छोटे छोटे भाई बहन परम मंगलमय परातत्पर अखिलेश्वर करुणा वरुणालय भक्तवान चित्कंठ प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताज्ञानयज्ञ की कथा में आज हम और आप सभी द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश पाएंगे। आज दूसरा दिन है। सो मन को चित्त को बुद्धि को एकाग्र करते हुए भाव से श्री कृष्ण चरणारविंद में मन को लगाते हुए अपार भक्ति का वरदान पाते हुए हम सभी आइए दो मिनट नाम संकीर्तन करते हुए श्रीमद्भागवत सप्ताज्ञान यज्ञ कथा के द्वितीय दिवस की कथा प्रारंभ करेंगे। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की। Oh,
और श्राप मिलने के बाद दिव्य संत आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज गुरु के रूप में आकर व्यास आसन पर आसीन हुए। जब सुखदेव मुनि व्यास आसन पर आसीन हुए, परीक्षित जी ने आरती उतारी, पुष्प हार माला आदि पहनाए और सुखदेव मुनि का सुंदर स्वागत किया। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अब आप भी आसन लगा करके जरा बैठ जाइए और बताओ परीक्षित तुम्हें सुनना क्या है। सुखदेव मुनि क्या छोटे मोटे संत हैं, हमारे और आपके जैसे तो है नहीं। सुखदेव जी कैसे संत हैं, अगर परीक्षित कह देते कि मेरी मृत्यु होने वाली है गुरु और सात दिन में आप मेरी मृत्यु टाल दीजिए, तो सुखदेव जी महाराज पलक झपकते ही मृत्यु टाल देते थे। लेकिन परीक्षित ने ये नहीं मांगा। अगर परीक्षित कह देता कि गुरुवर आप ऐसा कोई उपाय करिए कि सात दिन नहीं मुझे एक ही दिन में मोक्ष मिल जाए, तो परीक्षित जी को एक दिन में मुक्ति मिल जाती, ऐसी शक्ति थी उन पर। लेकिन परीक्षित ने क्या कहा, जब सुखदेव मुनि ने कहा क्यों बुलाया गया है मुझे, क्या सुनाऊं मैं तुम्हें परीक्षित बताओ। जब कहा क्या सुनाऊं तो राजा परीक्षित सुंदर प्रश्न करते हैं, महाराज मुझे कुछ नहीं केवल इतना जानना है सात दिन में जिनकी मृत्यु होती है उनका मोक्ष का उपाय बता दीजिए। बस परीक्षित ने यदि कहा मेरी सात दिन में मृत्यु होने वाली है मेरा मोक्ष कैसे होगा, क्या कहा जिनकी भी सात दिन में मृत्यु होगी उनका मोक्ष का उपाय आप कहिए। ये नहीं कहा कि आप मुझे मोक्ष दिलाइए। सुखदेव मुनि ने कहा यही तो बात है हे राजन परीक्षित, भागवत धर्म का अध्ययन तो मैंने वर्षों पहले कर ली थी परंतु मैं रुका हुआ था श्रेष्ठ श्रोता कब मिले तो कब मैं उस भागवत धर्म का विवेचन करके श्रवण कराऊं। कुछ सुखिया है क्या है जो अति आवश्यक है ये भागवत धर्म के अंतर्गत, जहाँ आत्मा की शुद्धि नहीं होती ना वहाँ भागवत भाग जाता है, मिलता नहीं, भाग में नहीं आता, भाग्य से भाग जाता है। इसलिए भागवत में आत्मशुद्धि आवश्यक है। अब आत्मशुद्धि करने के बाद मातृ शुद्धि, केवल आप शुद्ध हो गए तो क्या भागवत की कथा मिलेगी, कहा नहीं। तो बोले आप शुद्ध रहोगे अपनी आत्मा को शुद्ध करोगे लेकिन मातृ शुद्धि भी आवश्यक है। मातृ शुद्धि का अर्थ जिस माता ने आपको जन्म दिया उस माता का कुल श्रेष्ठ होना चाहिए, तब भागवत धर्म का आप श्रवण कर सकते हैं। और पितृ शुद्धि, आप शुद्ध हो गए आपकी माता शुद्ध है, क्या भरोसा पिता शुद्ध है कि नहीं, तो पितृ शुद्धि भी आवश्यक है भागवत धर्म। पिता शुद्धि जरूरी है, जब पितृ शुद्धि होती है तब भागवत धर्म श्रवण करने का सौभाग्य हमें मिल पाता है।
आत्म शुद्धि, मातृ शुद्धि, पितृ शुद्धि और गुरु शुद्धि। गुरु क्या किसी के भी मुख से भागवत कथा सुनोगे और फल मिलेगा? ये नहीं। जिसकी वाणी से आपने कथा सुनी या सुनोगे, उनका जीवन दिनचर्याएं शुद्ध होनी चाहिए। कोई नशा आदि करने वाला ना हो, कोई मदिरा आदि पान करने वाला ना हो, दृष्टांत कुशल हो। अगर कुछ बातें आपको समझाए तो सीधे हृदय में उतरनी चाहिए। ऐसा वैष्णव हो जो कथा सुना रहा है गुरु से। ये शुद्धियां अति आवश्यक है भागवत। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, अब तुम्हारी बात मैं क्या करूं? अरे तुम्हारी तो आत्म शुद्धि भी है। कैसे पता चला आत्म शुद्धि है? जब परीक्षित ने स्वयं के लिए प्रश्न नहीं किया प्यारे, प्रश्न क्या किया? 7 दिन में मरने वाले मनुष्यों की मुक्ति कैसे होगी? जब जनता समस्त प्रजाओं के लिए प्रश्न किया, सुखदेव जी समझ गए, जान गए कि आत्म शुद्धि है किसमें, और पितृ शुद्धि उसकी तो बात ही छोड़ो, पांडु के लाला है। पितृ शुद्धि तो पहले से ही, और कहा मातृ शुद्धि? बोले उत्तरा के गर्भ से जन्म लिया है, मातृ शुद्धि भी है इसमें। उत्तरा के गर्भ में भगवान कभी किसी के गर्भ में जाते नहीं, लेकिन उत्तरा के गर्भ में प्रवेश पाए हैं कन्हैया। और जिनके गर्भ में साक्षात नारायण प्रवेश पाया हो, उनके गर्भ से जन्म लेने वाला परीक्षित बताइए भला कितना शुद्ध होगा? और गुरु शुद्धि तो आप साक्षात देख ही रहे हैं। जिस सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष की आयु में जब भाग रहे थे, तो स्त्रियों को उन पर तनिक भी काम की जागृत नहीं हुई देख कर, ऐसे सुखदेव जी साक्षात शिव स्वरूप आकर बैठे हैं। और है कौन सुखदेव जी? बोले राधा रानी के परम शिष्य। राधा रानी ने सुखदेव जी को बड़ा गोद में बिठा बिठा कर सिखाया है। ये श्री परम शिष्य सुखदेव जिनके मुखार वृंद से आज परीक्षित कथा सुन रहे हैं, सभी सुख है। और जब कहे तो श्री सुखदेव जी महाराज उनका एक सुंदर साधारण सा उत्तर देते हैं। क्या? कि हे राजन, आपने कहा मुक्ति कैसे होगी 7 दिन में, तो 7 दिन में मुक्ति का उपाय बताया है। मुक्ति है क्या? तो कहे क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को यह खिली ना खिली मलया काल उठाए लिए पीता तन नम्र चोटे जीना रटले हरिना अरि रशना फिर अंत समय में हिलीना समय हिलीना। क्या कहा? अगर जीवन में मोक्ष पाना है तो केवल एक साधन अपनाइए, वो है ये विचार करिए प्रतिदिन कलिकाल उठा लिए फिरता। कलयुग है प्यारे, और इस कलयुग में तरह तरह के हमें पीड़ाएं मिलने वाली है, इसलिए
क्षण भंगुर जीवन की कलिका। आज हम सो गए, आज हम सो गए, और जब सोते हैं ना तो कल का विचार करके सोते हैं, तो कल कल का करना क्या करते हैं कि नहीं। लेकिन इस विवेचन में सुखमुनि ने कहा है कि हम कल के विषय में सोच कर रखते हैं, कोई एक साल के विषय में सोच करके रखते हैं, अब दूसरों के क्या कहें, हम खुद ये सोच के रखते हैं। आज से यहाँ तक है 3 जनवरी से तिरदा के पास एक कुंद्रू करके गांव, वहाँ कथा है। 18 जनवरी से अहिवारा में कथा है, उसके बाद 3 फरवरी से धनेली में है, फिर 12 फरवरी से अर्जुनी में है। अब कथा में क्या कह रहे हैं, कल का ठिकाना नहीं जा रहे, ध्यान रखना, लेकिन अपने ऊपर इतना विश्वास है कि 5-10 डेट फाइनल करके बैठे। तो आज जीवित है, इसी को प्रभु का आशीर्वाद मान करके चलिए। आज हम कथा कर रहे हैं प्रभु की अनंत कृपा मानी। कल ये शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा, आज जो फूल खिलकर आपके सामने बैठा है, कल या कली खिलेगी कि नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए आज क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः आज सुनेंगे खिलेगा कि नहीं, भरोसा नहीं, कल प्रातः हो यही। और मलयाचल की सुचि शीतल मंद, जो प्राण वायु आज सबके लिए चल रहे हैं, हो सकता है कल वो हमारे लिए न चले। और प्राण वायु अगर अवरुद्ध हो जाए तो हाहाकार मचा कर इस शरीर से ईश्वर का अंश निकल जाएगा। मलयाचल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर की चली न चली, सबके ऊपर सबके पास एक मलयाचल का सुंदर प्राण वायु पहुंच रहा है, कल मुझ तक पहुंच पाएगा या नहीं, भरोसा नहीं। और दूसरी बात, कली काल कुठार लिए फिरता बताया गया है, एक कलयुग की पीड़ा जो होती है ना अनंत होती है। और प्यारे सत्य कहे ना तो मच्छर काट ले मनुष्य सह नहीं सकता, अगर मच्छर 2-4 बार आकर काटे मनुष्य सह नहीं सकता। और जब मच्छर की जुबान हम नहीं सह सकते तो बताइए क्या मृत्यु की पीड़ा हम सह लेंगे। किसी ने बताया है एक साधारण मनुष्य 47 कोटी सेवन यूनिट पीड़ा सहन करता है, 47% 47 डिग्री पीड़ा सहन करता है। एक माँ जब एक संतान को जनती है, जन्म देती है, तो वो 57 यूनिट पीड़ा सहती है, एक साधारण आदमी 47, और एक माँ जब जन्म देती है संतान को तो 57, और जब उस मनुष्य के शरीर से जब प्राण निकलता है तो 10,000 पीड़ा होती है। तो ये आत्मा होती कितनी बड़ी है, अंश होता कितना बड़ा है, जिसमें इतना भयानक पीड़ा होती है। तो लोग कहेंगे जरूर इतना बड़ा होता होगा, ताकि बाहर अगर निकले तो तभी तो इतना पीड़ा होते। बोले नहीं, एक केस को 10,000 भाग में तोड़ा जाए, भागी भी दिया जाए, तो अंत में जो बचे ना इतना सा ईश्वर का अंश हमारे अंदर होता है, जिसके बाहर निकलने पर हमें इतनी पीड़ा सहन करनी होती है। लेकिन क्या यह पीड़ा सबको होती है, कहा नहीं, तो केवल उसी को होती है जिन्होंने अपना सारा जीवन 99 पैसे कमाने के चक्कर में लगा दिया, केवल उसी को। तो बाकी को कहा श्वास श्वास पर कृष्ण भजो,
और वृथा सांस जन खोए, ना जाने या सांस की आमन हो न हो। और जो हरि का भजन करे, जो हरि का गुणगान करे, उसे का उसे पीड़ा नहीं होती प्यारे, उसके शरीर में भगवान अपने पार्षदों को भेजते हैं और कब प्राण छूट जाए उसे पता का नहीं चलता। वो मान लीजिए कि यही पुण्यात्मा जी है। रटले हरि नाम हरि रसना निरंतर समय हिली ना हिली। अंत में ये वाणी हिलेगी कि नहीं पता नहीं क्या, इसलिए कहते हैं कल की कथा में आप सुनेंगे नाम का बड़ा महत्व होता है। घर में अपने संतान का नाम ऐसे मत रखो रिंकी टिंकी चिंकी टिंकू मिंकू, ये सब आजकल फैशन चल रहे हैं। ऐसा नाम मत रखो अपने संतान के, क्योंकि ऐसा नाम आप लेते लेते खुद भी डूबोगे और संतान भी अंतिम क्षण में डूब जाएगा। तो नाम कैसा हो, अंतिम क्षण जब व्यक्ति मरने वाला होता है ना, सबसे ज्यादा उसे अपने बेटा और बेटी की नाम याद आता है। सबसे अधिक कोई बेटा को याद करेगा कोई बेटी को, तो अपने संतान के नाम नारायण के नाम से जोड़ कर ताकि आप बेटा का नाम लेते 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 आप जब प्राण छूटे, ये प्राण पखेड़ जब उड़े, उस समय केवल आप क्या गाओ, श्री कृष्ण गोविंद हरे हरि नाथ नारायण। इसलिए तो कहा है किसी ने बड़ा सुंदर सीताराम 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 कही राम तारी राम राम सेवा तू अभी लगाई प्यारे राम तेरे साथ में। और विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, सीताराम 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 कही। केवल एक ही विवेचन करिए, एक ही गुणगान करिए, मानो पूरी दुनिया के देवताओं को इष्ट एक रखो और इष्ट ऐसा हो कि खाते पीते सोते जागते उठते बैठते हर क्षण हर समय हर पल आपका नाम अपने इष्ट का ही गुणगान करता रहे, ये कहा। और जब ये श्री सुखदेव मुनि ने कहा ना, तृतीय स्कंद के तीसरे अध्याय में राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित हो गई मेरी कथा संपूर्ण, मैं चलूं। अब जैसे ही परीक्षित ने कहा मेरी कथा पूर्ण भाई मैं चलूं, श्री परीक्षित जी ने कहा महाराज मुझे 7 दिन की कथा विस्तार पूर्वक श्रवण कराइए, मैं पूर्ण कथा श्रवण करना चाहता हूँ। 7 दिन की कथा श्री सुखदेव मुनि ने अब प्रारंभ किया। और जब प्रारंभ किया ना, तो पहले आसन जीतने का नियम बताया, जीतासनो जीत श्वास जीत संगो जीते भगवतो रूपे मन धार वासनम। जीत आसन, पहले आसन को जीतो, एक आसन पर 2 घंटे, आधा घंटा, 1 घंटा, 4 घंटा,
छह घंटा बैठने का नियम बनाना। एक आसन पर आप करीब अगर खाली पीली घर में है तो 10 घंटे बैठने के नियम बनाना। एक आसन पर बैठे आसन बदलना नहीं है क्या? कथा में आसन का भी खूब महत्व है। आप आसन को अगर एक करके बैठेंगे ना तो आसन को जीतोगे, और जब आसन को जीतोगे ना तो श्वासों को जीतोगे, तब संगों को जीतोगे, तब इंद्रियों से छूटोगे। जीत आसनो जीत श्वासो। 3 घंटा एक आसन पर बैठ लिए और 3 घंटे एक आसन पर बैठने के बाद खाली पीली बैठे बैठे करोगे क्या? खाली खाली 2 घंटे बैठे हो तो बैठे बैठे करोगे क्या? चुगली चुगली करते उनका क्या होता है बताओ? चुगली करते रहो, चारी करते रहो, पाप की मटकी को सुंदर सजाते रहो। और जब जब उठेगा ना तब मत कहना कन्हैया से, कौन से पाप का दंड है भगवान। तो एक चुगली नहीं करनी है, 2 घंटे आसन को जीत कर एक आसन पर अगर बैठ दिए तो करना क्या है? श्री राम संकीर्तन करना है, हरि के भजन करना है, और आप अपने इष्ट देव का भजन जब करते रहोगे करते रहोगे तो श्वास को जीतोगे। और जीत श्वासों को जीतोगे भजन कर। और जब श्वासों को जीत लोगे ना प्यारे, संग जीतने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो पूरी संगत है ना वो अपने आप दूर चले जाएंगे। कैसे दूर चले जाएंगे? तो कहा कि आप एक आसन पर बैठे हो, मुख से राम 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 जप रहे हो, और राम राम जपते जपते आप अगर चौराहे पर बैठे हो ना तो चुगली करने वाला आपके पास रुकेगा ही नहीं, क्योंकि उसका तो नियम है अपना धुंधली जैसे। वो चाहे कुछ भी करेगा वो जब करेगा पाप कर्म करेगा। इसलिए आपको क्या करना है? श्वास में राम राम जपना है। सत्संग जीतने की आवश्यकता नहीं, पूरी संगत खुद खुद आपसे हट जाएगी, दूर चली जाएगी, और आपके पास केवल प्रभु के भगत ही आएंगे। और जब भगवान के प्यारे भक्त आपके पास आएंगे ना तो क्या होगा? वो राम के कृष्ण के वामन के वराह के श्री नारद के शनकादिकी के शरद कुमार के सुंदर सुंदर चर्चाओं को करते रहेंगे प्यारे। और जब चर्चाओं को करेंगे ना तो उन चर्चाओं के मध्य से आपके जैसे काम को दो मन को मत्सर अहंकार राग द्वेष ये सब छूट जाएंगे। और ये सारे शत्रु जब दूर हो जाएंगे, ये सारे शत्रु जब आपके हृदय से निकल जाएंगे तो आपके हृदय में वास होगा श्री बांके बिहारी लाल का। इस झूले भगवतो रूपे श्री भगवान का स्वरूप आपके हृदय में बस जाया करेंगे। और जैसे हृदय में बसेंगे ना भगवान को हर पल हर क्षण आप याद करोगे, उस समय आपका मन विचलित करने के लिए ये संसारिक जीव आएगा। तो विचलित ना हो इसके लिए जब भी आप सुबह उठो ना अपने हस्त रेखा का दर्शन किया। जब जब सुबह उठो हस्त रेखा का दर्शन किया, और जब दर्शन करोगे ना तो एक मंत्र है, करा प्रेम सते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन। तो इसका भी आजकल बड़ा उल्टा नियम चलता है। लोग कहते हैं करा प्रेम सते लक्ष्मी, हे माता लक्ष्मी इतना धन देना, इतना धन देना,
साईं बना दीजिए कि आगे साईं बना दीजिए बैंक मेरा भर जाए और मैं भी भूखा ना रहूं ये साधु नगर में आए। यही है ना, गलत बोल क्या कम पड़ी नहीं थोड़ा कम ज्यादा। अच्छा सीधा करते हैं ना, शायद ना दीजिए यामी कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो पहले के जमाने में लोग यही मांगा करते थे, क्या क्या मांगा करते थे, भगवान इतना संपत्ति मत देना कि घमंड आ जाए, भगवान इतना धन मत देना कि अभिमान आ जाए, बस इतना देना कन्हैया देना है तो कि मेरा भी पेट भर जाए और मेरे घर में आने वाला ब्राह्मण मित्र संत महात्मा कोई भूखा उसका भी पेट मैं भर सकूं, बस इतना और कर्म दे सरस्वती। आजकल लोग कहते हैं कि कौन कंपटीशन का जमाना है और कॉपी हाथ में रखेंगे और क्या कहते हैं, हे भगवान मेरा अगल बगल वाला मैं लोग मैं पास हो जाऊं, रट लगाया ही बैठा है, पुस्तक हाथ में है पुस्तक तो नहीं पढ़ता, पहले क्या करता है, हे भगवान मेरा अगल बगल वाला फैल मैं पास हो जाऊं, हे भगवान मेरा अगल बगल वाला फैल मैं पास हो जाऊं, बार बार रट लगाया। और पहले हमारे बुजुर्ग जन किया करते थे, हे प्रभु ज्ञान भी इतना मत देना, इतना कि उस ज्ञान के विमान उस ज्ञान के मत में हम चूर हो जाएं। तो क्या करना, तो भगवान से बस एक ही प्रार्थना कर लेना, इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन मन का विश्वास कमजोर हो ना, हम चलेंगे रस्ते हमसे भूल कर दी कोई भूल। हमारे बुजुर्ग जब यही मांगा करते थे, ना तो मुझे अनपढ़ बनाना और ना तो मेरे आस पास अड़ोसी पड़ोसी जो है उनको अशिक्षित रखना प्रभु। और ऐसा ही होता था, मैं तो कहती हूँ लोग कहते हैं ना, हम कॉलेज कर लिए, हम 12वीं पढ़ लिए, हम इतना कर लिए, हम उतना कर लिए, आज से 10 साल 100 साल 50 साल पहले प्यारे जो अनपढ़ था वही शिक्षित था, जैसे जैसे लोग पढ़ते गए अशिक्षित होते गए। अब ये कैसे, जब लोग अनपढ़ थे तो माता पिता की मर्जी से सादा करते थे, कोई अपना जात नहीं बिगाड़ता था, बिगाड़ता था क्या नहीं, तो शिक्षित होते कि हमें, जब आज से 50 साल पहले लोग स्कूल नहीं जाते थे लेकिन 50 लोग एक घर में एक साथ रहते थे, और आज 4 लोग एक साथ नहीं रह सकते, माता पिता को अलग भोजन बनाना पड़ता है, बेटा बहू को अलग, शिक्षित हम है कि वो है शिक्षित। इसलिए क्या करना है, वो इतनी शक्ति हमें देना दादा, जहाँ शरीर में क्षमता आती है ना वहाँ अभिमान आता है, और अभिमान जब आता है ना तो हम अपनों से दूर हो जाया करते हैं, इसलिए ऐसा अभिमान रखना, ऐसा अभिमान ही ना आए, शिक्षित बनो अशिक्षित नहीं। और कर्म थे, ब्रह्मा जी से कहे, हे ब्रह्मा जी पड़ोसी का 2 मंजिल का मकान, 1 मंजिल का तो बना के दे दे,
पड़ोसी के घर में दो कार मुझे एकाद गाड़ी की दिला दे। अरे पड़ोसी का बालक जो है ना वो 40-50 हजार का मोबाइल पकड़ता है, मुझे कम से कम 10-15 हजार का दिला दे। ये है मत्सर प्यारे, दुनिया में सब का इलाज है, मत्सर का कहीं कोई इलाज। काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर के छठा बीमारी जो है ना, या तो किसी को आए मत और आ गया तो उसका इलाज। ये इलाज इसलिए कहीं नहीं मिलता क्योंकि ये पड़ोसी के संपत्ति के संग में बढ़ता है। अगर आपके पास 1 लाख हुआ ना तो मेरा मत्सर का बीमारी 2 गुना बढ़ेगा। आपके घर एक गाड़ी आई थी ना, मेरा बीमारी 4 गुना बढ़ेगा। ये मत्सर जो है ना वो पड़ोसी के संपत्ति के संग बढ़ता है, और जितना संपत्ति बढ़ेगा पड़ोसी का उतना मत्सर बढ़ेगा। इसे कहते हैं जलन की भावना। इसलिए मत्सर को मत आने दीजिए। सुखदेव जी ने बड़ा ये सुंदर कहा, इसलिए इन इंद्रियों को जीतिए। इंद्रियों को अगर आप जीत लिए, इंद्रियों को अगर आपने वश में कर लिया, तो मान लीजिए कि आप इस संसार के समस्त शत्रुओं को मार चुके हैं। रामायण में दो दस के ना, एक दस आनंद और एक दस रथ। एक का नाम है दस आनंद, दो दस थे, एक दस से दस आनंद और एक दस से दस रथ। लेकिन राम लोग कहते हैं ना भैया नक्षत्र का बड़ा प्रभाव पड़ता है, लोग क्या कहते हैं तुम्हारे ऊपर राहु चल रहा है, राहु। दशरथ दशरथ भी है, दशानंद दशानंद भी है। अब राम दशरथ के घर पुत्र बनकर आया और दशानंद के घर काल बनकर आया। क्यों? क्योंकि रावण ने दशानंद ने दसों इंद्रियों को फूला छोड़ा है, इसलिए राम काल बनकर गया। और दशरथ ने दसों इंद्रियों को पूरे को अपने वश में कर रखा है, इसलिए राम देवता बन करके पुत्र बन करके गए। बोलिए रामचंद्र सरकार की। इसलिए जब भी राम को बुलाओ तो पुत्र बनाकर बुलाओ, काल बनाकर नहीं। वैसे तो राम के हाथ से जीना भी धर्म है, मरना भी धर्म है, लेकिन जो रावण जो भी रावण जैसा राम के हाथों मरता है वो पूजनीय नहीं होता। क्या हिरण्यकश्यप को कोई पूजता है, रावण को कोई पूजता है? लेकिन जिसके घर राम पुत्र बनकर आए उसे लोग पूजते हैं। इसलिए मोक्ष दोनों में है, लेकिन मोक्ष की एक गति है। जो दशरथ को मिली वो श्रेष्ठ है, जो दशानन को मिली वो श्रेष्ठ नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज सुंदर चतुर ईश्वरों की भागवत का गायन किया, और यहाँ से द्वितीय स्कंद में राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा है कि क्या भगवान छोटे को बड़े को छोटे को नहीं मिलते, बड़े बस को मिलते? क्या भगवान ब्राह्मण को मिलते हैं, किसी अन्य जाति को नहीं? क्या भगवान जो जिसके पास संपत्ति हो, बड़ा पद हो, सुंदर भगवान हो, उसे मिलते हैं, किसी और को नहीं? तो सुखदेव ने सुंदर कहा है। आइए सुंदर आनंद लेते हुए हम आगे की कथा में प्रवेश पाएंगे। बोलिए हरे कृष्ण भगवान की। आइए
भजन में मन को लगाए ताकि हम उस परमात्मा परमेश्वर को पा सके। इसलिए करना क्या है जरा सुनिए ध्यान से। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। सजन मतलब साजन नहीं, सजन माने हमारे बाकी आ गए, ध्यान रखना। जो करते रहो भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो। क्या कहिए? सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो, सजन धीरे धीरे रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो, सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो, सजन धीरे धीरे। सभी भाव से तालियां देवा करेंगे। Thank you.
दिल में तमन्ना। यदि किसी से मिलना है तो पहले प्लान बनाना पड़ता है, और जब भगवान से मिलना है तो प्लान बना नहीं पड़े तो क्या कर रहे हैं। अगर प्रभु से दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से दिल और योजना ये है क्या करो शुद्ध अनीतह करण धीरे धीरे करण धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहो जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा हो भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा हो भजन धीरे धीरे करते रहोगे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा हो भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा हो भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा हो भजन धीरे धीरे जो भजते रहोगे भजन धीरे धीरे सजन धीरे धीरे। बोलिए बाबा बिहारी लाल की। बोलिए कृष्ण भगवान की। तो बताया कि भगवान को पाना है सावधि में मुक्ति को पाना है। मुक्ति है क्या? भगवान का नाम स्मरण करना, श्वास श्वास पर कृष्ण भजो वृथा श्वास जनि कोई, और ना जाने या श्वास की आवन हो ये न हो। प्रति पल प्रत्येक क्षण हर दिन हर समय उठते बैठते सोते जागते आपको केवल नाम स्मरण करना है, बाकी कन्हैया देखे। कहने लगे चतुर श्लोकी भागवत में एक बड़ा ही सुंदर श्लोक आया है, यथावंत भूतानि भूतेषु चावस्तेषु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि यथा तेषु न तेष्वहम्। बताया पंच भौतिक यह शरीर है, अंत में यहाँ मिल जाना है, इसलिए भगवान को शुद्ध मन से देखिए। अभी भजन के बोल में आपने सुना करिए अंतःकरण शुद्ध धीरे धीरे। अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? कुछ लोग क्या करते हैं पता है, घर में जैसे रहो तैसे रहो कथा पांडा के बनावटी रूप लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? बनावटी। तो मेरे कन्हैया कहते हैं प्यारे मुझे बनावटी स्वरूप पसंद नहीं है, न कभी था ना आगे कभी रहेगा। स्वरूप बनाकर दो व्यक्ति गए कन्हैया के सामने राम के सामने, एक शुद्ध नखा और एक उतना। क्या करके गए? स्वरूप को बना करके गए दोनों, एक शुद्ध नखा कहती है जाकर के तो सम पुरुष नमो समनारी, न तुम्हारे जैसा कोई सुंदर पुरुष है राम दुनिया में और मो समनारी। और अगर आपको कोई कह दे तो
मैं अगर यहाँ से कह रहा हूँ, पीछे देखो कितनी सुंदर वो लड़की जो बैठी है, तो सब एक अभी भले ही नहीं देख रहे हो, लेकिन अगर बाहर ये बात उठे ना, पत्थर पलट कर देखोगे सही में कितना सुंदर है। लेकिन राम जी ने सुनखा जब कहती है कि तो सम पुरुष नमो सम नारी, मैं इतनी सुंदर हूँ राम कि मुझे जैसा सुंदर पूरे ब्रह्मांड में नहीं, फिर भी राम ने सुनखा को नजर उठाकर नहीं देखा। एक बार भी भगवान कहते हैं जो बनावटी रूप लेकर आता है मैं उसे स्वीकार नहीं करता, मैं उसे पसंद नहीं करता। पूतना भी यही गलती करती है, जाती तो है कृष्ण के सामने लेकिन रूप को बना करके जाती है, और जब जब रूप बना कर जो जो गया है मेरे नारायण के सामने, भगवान ने उसे हमेशा अस्वीकार किया। कई लोग ऐसे होते हैं यहाँ आकर बड़ी भाव से एकदम भक्त टाइप कथा सुनेंगे, एकदम ध्यान से वक्त भी रखा जाते हैं, अरे बाप रे यही कलयुग को ताने वाले यही भक्त है। और घर में जाओ तो मैं कथा सुनने गई थी अभी तक झाड़ू नहीं लगे फिर चिल्लाने। तो ये कई व्यक्तियों ऐसे हैं दुनिया में जिनका यहाँ भी दो रूप है, कथा प्रांगण में अलग घर में अलग। तो इसलिए मेरे भगवान कहते हैं क्या, इस शरीर को मत बनाइए। शरीर को बनाते हैं उसे मेरे कृष्ण पसंद नहीं करते, हाँ कोई और जरूर पसंद करके ले जाएगा। तो कन्हैया क्या कहते हैं, जय सतन दिख रहा वैसा मन कीजिए, जैसे तुम्हारा शरीर दिख रहा है ना सुंदर सुंदर चमक रहा है, तुम्हारे शरीर में जैसा तेज है वैसा ही अपना मन भी रखिए। क्या, जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई यतन कीजिए, और तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं, एव मन है भजन का भजन कीजिए। कई लोग क्या करते हैं, क्रीम लगाएंगे पाउडर लगाएंगे उसके ऊपर में और फेस पाउडर लगाएंगे, लाल गुलाबी सब कर लेंगे, उसके बाद बस मिनट कर मत देखो उसका चेहरा, नहीं तो फिर रात को इतने मेकअप से क्या मतलब के आज मैं देखो यहाँ दुनिया जो है ना बड़ी मुद्दा है। मैं बोली आज एक बहन को बेटा लिपोम लेके आना, ठंड का दिन है वो फट जाता है, और लिपस्टिक लेकर आ गई। मैंने कहा भैया अपनी शादी में नहीं लगाई थी, मैं तो हाथ लगाना दूर की बात है। तो चेहरा वो संभालते हैं जिन पर अपने जिनको नारायण पर भरोसा नहीं, जिनको नारायण पर भरोसा नहीं। चेहरा को दुनिया वाले देखते हैं पर एक हृदय का सुंदरता मेरे भगवान देखते हैं। नजर अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना, जरूरत है नए रिश्तों का स्वागत भी करो लेकिन जरूरत है नए